तीर्थ नगरी ओमकारेश्वर में बस स्टैंड पर बिना परमिट के अवैध बस दौड़ रही है। परिवहन विभाग कोई ध्यान नहीं दे रहा। एक बस का परमिट होता है, उसके बाद एक परमिट पर दो से तीन बस लगाकर अवैध तरीके से ओमकारेश्वर स्टैंड से भरी जा रही है। खुलेआम ओमकारेश्वर स्टैंड पर गुंडागर्दी अवैध तरीके से बस वाले कर रहे हैं। विवाद की स्थिति भी बनी रहती है। परिवहन विभाग कोई ध्यान नहीं दे रहा। ओमकारेश्वर बस स्टैंड पर कोई बड़ा हादसा हो सकता है। शिव की नगरी में खुलेआम अवैध बस दौड़ रही है। एक बस का परमिट होने के बाद ओमकारेश्वर स्टैंड पर बिना परमिट के कई अवैध बस चल रही हैं। अवैध बस बिना परमिट के चलने के कारण विवाद की स्थिति बन जाती है। ओमकारेश्वर में बस स्टैंड पर अवैध बस धड़ल्ले से सड़कों पर दौड़ रही है। शादी पार्टी का परमिट 7 दिन का लेकर ओमकारेश्वर इंदौर बस अवैध तरीके से चल रही है। शादी पार्टी का परमिट दिखाकर सड़कों पर अवैध बस दौड़ रही है। बिना परमिट की अवैध बस चलाने वालों पर इंदौर आईटीओ और खंडवा आईटीओ कोई बड़ी कार्रवाई नहीं कर रहा। अब देखने वाली बात यह होगी कि परिवहन विभाग सड़कों पर दौड़ रही अवैध बसों के खिलाफ क्या बड़ी कार्रवाई करते हैं। इस संबंध में खंडवा आईटीओ से मोबाइल पर संपर्क किया तो उन्होंने बताया कि आपके द्वारा मामला संज्ञान में आया है, आप मुझे थोड़ी जानकारी दीजिए, कौन सी बस अवैध चल रही है उनके बारे में मुझे बताइए, हम सख्त कार्यवाही करेंगे। यह बात कहकर अपना पल्ला झाड़ दिया। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए ओमकारेश्वर मानधाता से आकाश शुक्ला की रिपोर्ट।